नागरिकता संशोधन बिल सीएबी के पास होने के बाद ये कैंप है जहाँ पे कि खुशियाँ देख सकते हैं आप लोग, लड्डू बांटे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं और एक दूसरे के बीच बहुत खुशी है। उससे पूछेंगे सर किस तरीके से लगता है कि जो खुशी है लोगों में, किस तरीके से आज ये लोग मना रहे हैं? बिल्कुल, दिवाली मनाने वाली बात है, बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग इनकी खुशी पूरी तरह समझ सकते हैं। हमारा परिवार 1947 में पंजाब ग्रोथ पाकिस्तान हो चुका है, वहाँ से आया था। तो हमारे परिवार ने किस तरीके से संघर्ष किया और किस तरीके से दिल्ली में आके बसे और अब आज जो हमारी पोजीशन बनी इस देश के अंदर किस तरीके से बनी, तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जितने हमारे हिंदू भाई बहन आए हैं पाकिस्तान से आए हैं, वो भी यहाँ पे आके अपना जीवन को अच्छी तरह संघर्ष करें और आगे बढ़े। हम इनकी खुशी को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, इनकी खुशी को समझ सकते हैं। एक बार इनसे बात करते हैं, आप आए हैं, नागरिकता बिल पास हो गया है, आप लोगों को नागरिकता मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है नागरिकता के, हम यहीं के हैं, अभी पाकिस्तानी पाकिस्तानी कोई नहीं बस हिंदुस्तानी। छोटी सी बच्ची भी है, अम्मा जी क्या समझते हैं किस तरीके से? बहुत खुशी हो रही है हमारे को, धन्यवाद मोदी को। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं आप लोग, कितना सही कदम था? सही सब चीज़ें अच्छा करती है, खुशी भी है लोगों में। मैडम किस तरीके से समझते हैं, महिलाएं भी पूरी तरह खुश हैं? 2011 में जब सर्दियों में टीटू थे, सर्दी नहीं आ रहे थे, तब हम लोग इनके लिए खड़े हुए थे और आज भी हम इनके लिए हर मंत्रालय हर जगह खड़े हैं और आज इतनी खुशी इनको मिले, ये लगभग ये कहते थे कि हम यहाँ बसना चाहते हैं, आज इतनी ज़्यादा उत्पादित है। इनकी बेटियों को 14 साल की उम्र के बाद ही वो लोग इतना ज़्यादा उठा के ले जाते थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की को यहाँ से ले जाया गया था पाकिस्तान की। हमने उसके साथ उसके लिए भी सुषमा स्वराज जी के साथ मिलकर काफ़ी मुहिम चलाई थी फेसबुक व्हाट्सएप से और 2011 से हमने इनको अडॉप्ट किया हुआ है। इनकी हर समस्याएं मेडिकल से लेकर जो भी समस्या हुई, बच्चों की शादियां वादियां, उन सब में मदद करते हैं। मैदानता बालाजी सभी बड़े से बड़े हॉस्पिटल, इनकी मदद के लिए हम कैंप लगवाते हैं और इनके बच्चों के लिए हमने निशुल्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर ट्यूशन सेंटर भी खोले हुए हैं, सिलाई के सेंटर भी खोले हुए हैं और इनके यहाँ बिजली पानी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसके लिए हमने बड़े से बड़े मंत्रालय में जाकर इन लोगों की हर तरह से मदद की है। हमारा परिवार है 2011 से, इनके लिए सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी क्योंकि अब ये कानूनन तौर पे नागरिक हैं। क्या समस्या जब पाकिस्तान में थे और यहाँ कितना फर्क महसूस करते हैं? अच्छा नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बच्चे ज़्यादा सुरक्षा आते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आपके बच्चों को शिक्षा का भी अधिकार है, पढ़ाई मिलेगी, स्कूल जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे हमारे बच्चे, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी स्कूल जा रहे हैं। मोदी जी की कृपा से क्या डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यहाँ के MP हैं उनकी मदद से हमने इनके आधार कार्ड बनवा के यहाँ से 300 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। इसमें ईस्ट जी भी थे हमारे RSS के थे, उनके वो गुप्ता थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, पर शुरुआत उन्होंने की थी। इनके आधार कार्ड हम लोगों ने मिलकर बनवाए, इनको स्कूल बैग कॉपी पेंसिल इनके हर तरह से सुविधा की, यहाँ तक कि जो कि महिला मेरा 8-10 बच्चे पैदा करने के लिए भाव था जो भी पाकिस्तान जो है वो छेड़ दिए हैं लोगों ने और आज देख सकते हैं कि विकास के पथ की ओर ये बढ़ रहा है और इसको छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनका उत्साह है, भरपूर है। अगर ये झंडे भारत माता के जय लगा रहे हैं और भारत माता के झंडे लहराए जा रहे हैं, मोदी सरकार तो इनके खुशी है और ये बच्चे अब स्कूल जाने शुरू हो जाएंगे और अब इनको लग रहा है मोदी है, मोदी है और पास होने के बाद देश की नागरिकता दे दी गई है, आज देश की नागरिकता मिलते ही अब ये इस देश के नागरिक कहलाएंगे और इन्हें वही सब समान अधिकार जल्द से जल्द मुहैया कराए जाएंगे जो कि एक आम भारतीय है।